बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा और समझ भी आई होगी इंशाल्लाह। चलते हैं वर्बबुक की तरफ, ग्रेड फोर साइंस वर्बबुक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर वन, दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी। अब यूनिट नंबर वन द ह्यूमन बॉडी में आपने करना क्या है? यूजुअली बच्चों को वर्बबुक में ये बताया जाता है कि जो लाइट फॉन्ट आपको नज़र आ रहा है वर्बबुक पे, इसको आपने ट्रेस करना है। सबसे पहले तो आपने इसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? उस समझने के बाद आपने उसको ट्रेस करना है, उस राइटिंग को जो लाइट फॉन्ट है उसको आपने ट्रेस करना है। आफ्टर ट्रेसिंग उसी क्वेश्चन को याद करना है, और याद करने के बाद फ्री हैंड की बारी आती है। अब याद कर लिया है आपने वो क्वेश्चन, तो याद करने के बाद आप फ्री हैंड आराम से लिख सकते हैं, तसल्ली से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन? It gives strength and support to the body. It frames the shape of the body. It also protects the soft internal organs, for example, skull, rib cage. It helps the body in moving. जिस तरह के हमने वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा, स्केलेटन हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये करता क्या है? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को फ्रेम करता है। It also protects the soft internal organs. हमारे इंटरनल organs जो हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल। रिब केज है, तो रिब केज हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को। देन इट हेल्प्स द बॉडी इन मूविंग। यस, ऑफ कोर्स, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन जॉइंट्स। व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट? वेयर आर ईच ऑफ देम फाउंड इन योर बॉडी? अ जॉइंट इज द प्लेस इन वर्टेब्रेट्स बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स फाउंड इन शोल्डर, एंड हिंज जॉइंट फाउंड इन नी एंड एल्बो। जॉइंट्स की बात की थी हमने पहले। जॉइंट्स हमारे पास क्या है? दो या दो से ज्यादा बोन्स को मिलाने वाली चीज जो है, इसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो जॉइंट्स में हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि हमारा शोल्डर है, हिंज जॉइंट है, जो कि हमारे नी एंड एल्बो है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स अलोंग विद एन एग्जांपल ऑफ ईच वन। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स हैं हमारे फिंगर्स के, हमारे जो सारी बॉडी में मसल्स हैं, ये हमारे मसल्स आ जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि इन पे हमारा इख्तियार है, हम इनको मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल दम, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स, द स्मूथ मसल्स, द कार्डियक मसल्स, द मसल्स ऑफ आवर स्टमक, द मसल्स ऑफ आवर हार्ट, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मेंट बाय द स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स से क्या मुराद है? स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर। स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिनसे बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है एंड ब्लैडर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्डियक मसल्स? द मसल्स ऑफ आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन द टर्म स्केलेटल मसल्स। द स्केलेटल मसल्स आर जॉइंड विद टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स क्या हैं? जो हमारी बोन्स और मसल्स के जिस चीज़ ने जोड़ा हुआ है, उस चीज़ को कहते हैं टेंडन्स। ये टेंडन्स मदद करते हैं हमारे बोन्स और मसल्स को एक साथ जुड़े रहने में। क्वेश्चन नंबर सेवन, सजेस्ट द वेज टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स आल्सो हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम रिच फूड कौन से होते हैं? कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, डेयरी में पाया जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी आप कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अपने आप को फिट रखने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई है। जज़ाकअल्लाह खैर।